हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नई वैकेंसी लिस्ट कर दी गई है दिल्ली में, परमानेंट पोस्ट की स्थायी रूप की वैकेंसी लिस्ट कर दी गई वेरियस पोस्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नई वैकेंसी आ चुकी है स्थायी रूप के लिए, तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट नई वैकेंसी लिस्ट कर दी गई है। उससे पहले वीडियो पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन वैकेंसी पेपर से रिजल्ट आ रही है, कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं। तो बात करें दौलत राम कॉलेज में नई वैकेंसी आ चुकी है, वेरियस पोस्ट की वैकेंसी लिस्ट कर दी गई है और यहां आपको यूजफुल लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएगा वैकेंसी का पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आ चुकी है, वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, तो आइए देखते हैं जो काम की वैकेंसी है। यहाँ आपके सामने ऑफिसियल नोटिफिकेशन है, दौलत राम कॉलेज की ऑफिसियल नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आ चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी का आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लिखा है 1 दिसंबर 2020 का डेट लगा, लेकिन नीचे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जिस तारीख से एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एड आएगा उसके बाद से ही डेट काउंट किया जाएगा। तो आज यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, तो आज से डेट काउंट किया जाएगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 14 दिन आपको टाइम मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने का। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। बात करें वैकेंसी क्या निकाली गई है, यहाँ पे जो काम किया उसे देख लेते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है, 7 पोस्ट की वैकेंसी है, ओबीसी में 3 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी निकाली गई है, टोटल पोस्ट 2 निकाले गए हैं। असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, टोटल पोस्ट 1 निकाले गए हैं। सीनियर असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, कुछ और भी पोस्ट की वैकेंसियां निकाली गई। यहाँ पर बात की जा रही है लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने के लिए, 14 डेज आपको समय दिया जा रहा है, 14 दिन का समय दिया जा रहा है फॉर्म फिलअप करने का, जो कि काउंट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जिस तारीख से एड आई है उस तारीख से आपको यहाँ पर बात की जा रही है डेट काउंट किया जाएगा, जो कि लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। 25 दिसंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज की गई है उसमें यहाँ पर जारी कर दिया गया इसका एड। तो यहाँ पर बात करें क्या है सिलेबस, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में पर देख लेते हैं जो काम किया उसे देख लेते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में बात करें, 10th पास कर रखे हो साइंस स्ट्रीम से तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 30 साल एज रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिपार्टमेंट जारी करी है अलग से नोटिफिकेशन, जो कि उनके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। बात की जा रही है कुछ और वैकेंसियां भी निकाली गई, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन कर रखे हो तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 30 साल एज रखा गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी निकाली गई थी, 12th पास कर रखे हो तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, साथ में टाइपिंग आनी चाहिए 35 का इंग्लिश में, अगर हिंदी करते हैं तो 30 का आना चाहिए, 27 साल एज रखा गया है। यहाँ पे कुछ और भी वैकेंसियां निकाली गई थी, सभी पोस्ट को आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, जिसमें एलिजिबल है उसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करें फीस के बारे में, तो फीस क्या रखा गया उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है फीस के बारे में, तो 300 रुपए फीस लगने वाले हैं यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए 100 रुपए फीस रखा गया है, महिलाओं के लिए और हैंडीकैप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, यहाँ पर बात की गई है। बात करें फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो कुछ और बात का भी ध्यान रखना होगा, फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर गूगल फॉर्म में आपको फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, पेमेंट का अलग से लिंक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए अलग से लिंक बनाया गया, फॉर्म फिलअप करने के लिए अलग से लिंक बनाया, क्योंकि गूगल फॉर्म से लोग फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, साथ में पेमेंट के लिए अलग से लिंक बनाया गया। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से पेमेंट करना है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसी तरीके से पेमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर क्लिक करेंगे लिंक पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए तो कुछ आपको इस तरीके से फॉर्मेट दिखेगा, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है किस तरीके से क्या क्या फिल करना है, यहाँ डिटेल ऐसा दिखेगा, फिर आपको क्या क्या फिल करना है यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, यही सब सेलेक्ट करेंगे और इसी पे पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस पे सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से डिटेल आ जाएगा दौलत राम कॉलेज का, और यहाँ जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फीस क्या है जमटेंट है जो भी है सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, सबमिट करके पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से बताया गया है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अलग से लिंक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए गूगल फॉर्म से आपसे फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, उम्मीद करते हैं दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आए थे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।